प्रणाम सभी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके इन बातों को ध्यान से श्रवण कीजिए। हम 18वें अध्याय में चल रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के ज्ञान का वर्णन कर चुके हैं। सत्वगुणी ज्ञान किसको कहते हैं, रजोगुणी ज्ञान किसको कहते हैं और तमोगुणी ज्ञान किसको कहते हैं। जो व्यक्ति सब जीवों में आत्मा की दृष्टि से देख पाता है, बोले वो सतोगुनी ज्ञान के अंतर्गत है। और आत्मा समझते हुए वो सबको भगवान का अंश समझ पाता है। जब तक कोई व्यक्ति आत्मा नहीं समझेगा सबको, तब तक उसे भगवान के साथ वो संबंधित नहीं मान पाएगा। भगवान श्री कृष्ण राम रूप में रामायण में वर्णन करते हैं, मम सब प्रिय सब मम उपजाए, कि जितने भी जीव हैं सब मेरे द्वारा उपजाए गए हैं और मेरे द्वारा उपजाए जाने के कारण ये सब मेरे को प्यारे हैं। लेकिन हमको ये सब प्यारे क्यों नहीं होते, हम भी तो भगवान की संतान हैं, क्योंकि तो हमारे पास सत्वगुणी ज्ञान नहीं। हम उनको आत्मा के रूप में नहीं देख पाते। आत्मा के रूप में देखेंगे जब स्वयं को ही आत्मा के रूप में नहीं देख पाते, तो दूसरों को आत्मा के रूप में क्या देख पाएंगे। ये तो गुरु वैष्णवों की दया से, भगवत कृपा से हमको ये आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जैसे ही हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा, हम तो दूसरों को भी आत्मा की दृष्टि से देख पाते हैं। और जब दूसरों को आत्मा की दृष्टि से देखेंगे, तो भला उन पर कैसे क्रूरता दिखा पाएंगे। इसलिए भगवान ने घोषणा किया, मम सब प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे द्वारा उपजाए गए, पैदा किए गए हैं, इसलिए मुझे तो सब प्यारे हैं। जब भगवान के भक्त बन जाते हैं, तो हमारी सबसे घृणा खत्म हो जाती। हमारी घृणा जब खत्म हो जाती है, तो सबके प्रति दया भाव उमड़ के आ जाता है। जैसे ही दया भाव आ जाता है, भगवान को अच्छा लगता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती, जिसकी प्रकृति मतलब जिसकी सामर्थ्य से सारे जीव चलायमान नजर आ रहे हैं, चाहे वो हाथी है, बिच्छू है, कोई भी है, उन पर दया अपने आप उमड़ करके आ जाएगी। क्योंकि वो बेचारा जीव अपनी किसी विशेष इच्छा के कारण भगवान श्री कृष्ण से उसने एक विशेष शरीर प्राप्त किया है। हमारी जैसी जैसी इच्छाएं हैं, आत्मा होने के नाते, भगवान परमात्मा होने के नाते, भगवान और भगवान के जो आत्मा रूपी अंश है, इसकी तुलना प्रभुपाद जी ने यहाँ पर 2 मित्रों के साथ की है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो दूसरा मित्र है, जो जीव रूपी मित्र है, भगवान उसकी इच्छा पूर्ति करने में उसकी सहायता करते हैं। तो अब किसी की शेर बनने की इच्छा है, तो भगवान उसकी सहायता करते हैं। किसी की कुत्ता बनने की इच्छा है, तो भगवान उसमें सहायता कर देते हैं। कुल मिलाकर के भगवान से जो दूर जाना चाहता है, भगवान मित्र हैं तो उसकी सहायता कर देते हैं। चल भैया ऐसे दूर जाओगे तुम, कोई
कोई व्यक्ति भगवान के नजदीक आना चाहता है तो भगवान उस तरह से उसकी सहायता कर देते हैं। इस प्रकार से हर जीव अपनी अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग प्रकार के 84 लाख योनियों में शरीरों को प्राप्त होता है। तो जो भक्त होता है, जो आत्मज्ञानी होता है, वो इस रहस्य को जानता है और इस रहस्य को जानने के कारण वो हर जीव पर दया करता है। चाहे वो बेचारा कर्मों के कारण मजबूरी में उस शरीर को प्राप्त करे, लेकिन मजबूरी तो बाद में कही जाती है, वास्तव में तो उसने कर्म अपनी इच्छा के अनुसार किए थे ना। तो कर्म अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे मान लो कोई व्यक्ति जेल में चला गया, तो जेल में क्यों चला गया? क्योंकि उसने ड्राइविंग लेफ्ट हैंड पे करने के बजाय राइट हैंड पे करने की चेष्टा किया, जबकि नियम लेफ्ट हैंड पर ड्राइव करने का है, लेकिन उसने राइट हैंड पर ड्राइव किया। तो राइट हैंड पर ड्राइव क्यों किया? किसी ने जबरदस्ती की थी? कि बोले नहीं, उसने अपनी इच्छा के अनुसार कार्य किया। जब उसकी इच्छा अनुसार कार्य किया तो भगवान ने बताया कि सरकार ने बताया, भाई नियम ये है कि यदि कोई अपनी इच्छा का सदुपयोग करेगा तो जेल से बाहर रहेगा, इच्छा का दुरुपयोग करेगा तो जेल के अंदर जाएगा। तो पहले से ही नियम अनाउंस्ड है। जब अनाउंस्ड है और व्यक्ति उस नियम को तोड़ रहा है, तो फिर पुलिस वाले ने अगर उसको उठा करके जेल में डाल दिया तो उसकी इच्छा थी जेल में जाने की एक प्रकार से। तभी तो उसको सेंस नहीं रहा शुरुआत में राइट हैंड पर ड्राइव क्यों करना चाहिए। उसके अंदर इच्छा थी कि मेरे को राइट हैंड पर ड्राइव करने पर जेल में जाना पड़ता, कोई बात नहीं चले जाएंगे, व्यक्ति ऐसा सोचता है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली उसकी इच्छा थी जेल जाने की, इसलिए मजबूरी बाद में पैदा हुई, पहले तो स्वेच्छा से ही उसने जेल का चुनाव किया। ऐसी हर शरीर को अलग अलग जो जीव प्राप्त करते हैं, वो सब जीव अपनी स्वेच्छा से ही प्राप्त करते हैं। भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं, कोई पक्षपात नहीं। भगवान एक न्यायाधीश की तरह है, जैसे कोई व्यक्ति दो लोग झगड़ा करके न्यायाधीश के पास जाते हैं, तो न्यायाधीश एक को रिवार्ड देता है, एक को पनिशमेंट देता है। तो इसमें न्यायाधीश का कोई पक्षपात है क्या? कोई पक्षपात नहीं। इसी प्रकार अलग अलग शरीर जो प्राप्त हैं जीव को, वो उसके कर्मानुसार प्राप्त है। ये प्रकृति का नियम है सारे जीव भगवान के ही अंश, चाहे वो किसी भी शरीर में से हो। तो जो भगवान का भक्त बन जाता है, वो सब पर दया करता है, सबको आत्मा की दृष्टि से देखता है। जैसे मान लो खुद कोई व्यक्ति अगर डूब रहा हो, तो बचने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? कि डूबने में आनंद लेगा, बचने का प्रयास करेगा ना। ऐसे कोई दूसरा जीव डूब रहा हो, तो क्या उसको बचाने की चेष्टा नहीं करेगा? फिर भक्त उसको भी बचाने की चेष्टा करेगा। जैसे हाँ, गुरु महाराज एक कथा सुनाते, एक बिच्छू डूब रहा था, एक साधु नदी के अंदर नहा रहा था, और वो बिच्छू बेचारा उसी नदी में इतफाक से आकर के डूबने लग गया। तो साधु ने क्या किया, उसको हाथ पर लिया ऐसे। जब हाथ पर लिया तो उसने डंक मार दिया, उसको बचाने की चेष्टा किया, क्योंकि वो देख रहा था ये बेचारा डूब रहा है, उसको बचाने की चेष्टा किया, तो उसने डंक मार दिया। जैसे ही डंक मारा, बेचारा दर्द से हिल गया, वो एकदम से बिच्छू का दर्द बहुत विशेष होता है, उसका हाथ हिल गया तो फिर से डूबने लग गया। फिर से वो उसको हाथ दे करके बाहर निकालने की चेष्टा करा, फिर से उसने डंक मार दिया। और दूसरा व्यक्ति देख रहा था, बोले महात्मा जी आप क्या कर रहे हो, ये आपको ये बिच्छू बार बार काट रहा है और आप फिर भी इसको बार बार हथेली देने की चेष्टा कर रहे हो। अरे सठे साठेम समाचारे, सठ के साथ सठ जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। बोले हाँ ये बात तुम ठीक कह रहे हो, ये एक संसारी धर्म है, सठ के साथ सठ जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, लेकिन भागवत धर्म ये शिक्षा नहीं देता, भागवत ज्ञान ये शिक्षा नहीं देता, दिव्य ज्ञान जो सतोगुणी ज्ञान है ये शिक्षा नहीं देता। सतोगुणी ज्ञान क्या कहता है? साधु ने बताया, ये जब बिच्छू को शरीर को प्राप्त होकर के उस शरीर के अनुसार उस मर्यादा का पालन कर रहा है, उस स्वभाव का पालन कर रहा है, क्या स्वभाव है? काटने का स्वभाव है, काटने का स्वभाव का पालन कर रहा है, जबकि इसको पता है कि मेरे काटने से मैं ही मर रहा हूं एक प्रकार से, क्योंकि जब मैं काटूंगा तो हथेली पर दर्द होगा, व्यक्ति छोड़ देगा तो मैं खुद ही मर जाऊंगा ना, जबकि आइडियली तो उसको काटना नहीं चाहिए था, लेकिन बिना मरने की परवाह किए ये अपने स्वभाव का पालन कर रहा है। तो साधु का स्वभाव क्या होता है? बोले साधु का स्वभाव होता है मैत्र करुण एवं च तितिक्षवा कारुणिक, स्वयं को कष्टों को सहते हुए दूसरों पर करुणा करना चाहिए,
ये साधु का स्वभाव होता है। तो मेरे को भगवान ने ये शरीर दिया और ये शरीर में मेरे को साधु बना दिया। जब साधु बना दिया तो मुझे तो सत्वगुणी ज्ञान के अनुसार इस जीव को बेचारे को डूबने से कष्ट होगा, जैसे मुझे डूबने से कष्ट होता है। मैं अपने आप को बचाने की चेष्टा करता हूँ। जब ये मर करके भी अपने स्वभाव को नहीं बदल रहा है, डूबने पर भी अपने स्वभाव को नहीं बदल रहा है, तो मैं थोड़ा सा दर्द सहन करके इसको आले करके अपने स्वभाव को क्यों बदलूं? मुझे साधु स्वभाव का प्रदर्शन करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा कष्ट उठा करके इसको बचाने की चेष्टा करनी चाहिए। क्या ऐसी बचाने की चेष्टा प्रभुपाद जी ने संसार के जीवों के लिए नहीं की? प्रभुपाद जी एक प्रकार से खुद कष्ट पा रहे थे, मालवाहक जहाज से गए बेचारे, लेकिन फिर भी उन्होंने जीवों की रक्षा के लिए इस आंदोलन को सारे संसार में फैलाया। ये दया होती, कोई पक्षपात नहीं किया। मैं अफ्रीकन कंट्रीज में क्यों जाऊंगा? वहां तो सब एक प्रकार जैसे लोग हैं जो उड़ती हुई मक्खी को मार करके खा जाते हैं। प्रभुपा जी प्रवचन दे रहे थे और श्रोता लोग बैठ बैठ करके मक्खी मार मार के मक्खी खा जाते थे। ऐसे ऐसे लोग थे कि प्रभुपा जी के कपड़े ही दूसरे दिन पहन करके क्लास में बैठ गए। प्रभुपा जी ने कपड़े धो करके सुना सुखाए थे और दूसरे दिन वो प्रभुपा जी के कपड़े बैठ करके आ गया कथा सुनने के लिए। प्रभुपा जी को कहना पड़ा, गुरुजनों के कपड़ों को पहनते नहीं भाई। ये बात सिखानी पड़ी उन लोगों को। ऐसी ऐसी कंट्रीज में प्रभुपा जी गए। क्यों? प्रभुपा जी सत्वगुणी ज्ञान से युक्त थे, जो सब आत्माओं को भगवान के अंश समझ करके व्यवहार करते थे। वो आत्मा की दृष्टि से देखते थे। आत्मा की दृष्टि से देखने का अर्थ ये भी नहीं है कि सांप को गले लगा लिया जाए। सांप का अपना व्यवहार है, बेचारा सुधरने वाला तो है नहीं, चलो उसको छोड़ दो जंगल में, लेकिन उसको मारो उसको भी मत। दूसरी ओर जो मनुष्य शरीर में है, जिनके अंदर ऐसा बदलाव आ सकता है, उन पर दया दिखानी चाहिए। जो जीव हमारी दया को वैल्यू दे, उन पर दया दिखा दो। जो वैल्यू नहीं दे, उनको इनडायरेक्टली दया दिखाओ। इनडायरेक्टली कैसे दया दिखा सकते हैं? महाप्रभु ने दया दिखाया, हरिदास ठाकुर को बुलाया। हरिदास ठाकुर को बुला करके महाप्रभु कहते हैं, रोने लग गए महाप्रभु, बोले जीवों का क्या होगा। हरिदास ठाकुर को साथ में ले गए थे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी। हरिदास ठाकुर की कुटिया में रोज दर्शन देने के लिए भगवान जाते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर इतने विनम्र थे। उसको मैं तो लायक ही नहीं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, मंदिर में घुसने लायक नहीं, मतलब कैसे विनम्र भक्त थे। तो महाप्रभु रोज दर्शन देने के लिए आते थे। महाप्रभु एक दिन हरिदास ठाकुर के साथ वार्ता करते समय रोने लग गए। महाप्रभु क्यों रो रहे हैं आप? अरे जीवों का क्या होगा, कैसे जीवों का मंगल होगा? ये बेचारे पशु जीव हैं, सुअर कुत्ता आदि हैं, ये इनका कैसे भला होगा? और विशेष रूप से इन मुसलमानों का कैसे भला होगा? इन लोगों ने तो शास्त्र से कोई लेना देना ही नहीं रखा है। ये लोग तो शास्त्र से सारे संबंध तोड़ करके बैठे हुए हैं। ये मलेच्छों का क्या होगा, इन यवनों का क्या होगा? महाप्रभु की इस बात को सुनकर हरिदास ठाकुर बोले, महाप्रभु यवन लोग दो चीजें अपने जीवन में देखते हैं, एक होती है हराम हराम और एक होती है हलाल। हलाल को ये सुच्चा मानते हैं और हराम को ये निकृष्ट मानते हैं। तो ये हर चीज को लेकर के इस बात का कंसेप्ट रखते हैं, ये चीज हराम है, ये चीज हलाल है, ये चीज पवित्र है, ये चीज अपवित्र है। तो ये लोग हराम शब्द का जो उपयोग करते हैं ना, उसमें जो राम नाम आ गया ना, उसी से इनका कल्याण। इतना विश्वास देगा हरिदास ठाकुर का, इतने विश्वास के साथ बोले। महाप्रभु बड़े प्रसन्न। महाप्रभु बोले, ये तो बहुत बढ़िया तुमने बात बताया, लेकिन चलो अब इन जीवों का तो, इन मलेच्छों का तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन पशु पक्षियों का वृक्षों का उद्धार कैसे होगा? ये लोग तो हराम हलाल कुछ करते नहीं। बोले महाप्रभु, इनकी भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब कीर्तन करते हैं ना, तो कीर्तन करने से, नगर कीर्तन करने से, इधर उधर भक्त लोग जब वैष्णव जब हम कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन की ध्वनि इनको जा करके जो टकरा जाती, चाहे इनके कान नहीं है, लेकिन टकरा करके वापस आ जाती। बोले इतने टकराने मात्र से इनका हरिनाम कल्याण कर देगा। सामर्थ्य देखो हरिनाम की। इसलिए वैष्णव लोगों के अंदर कितनी करुणा होती, कितनी दया होती। ये नहीं सोचते यहाँ कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ कैसे कीर्तन करे? क्या वृक्ष पौधे पशु पक्षी वहां नहीं है? वो लोग भी तो वहां है, उन पर भी दया दिखानी चाहिए, उनको भी आत्मा की दृष्टि से देखना चाहिए। ये नहीं कि चलते चलते एक पेड़ में लात मारी बेचारे को रगड़ दिया, अभी अभी नया नया पैदा ही हो रहा था और पौधे में लात मार कर उसको नष्ट कर दिया। नहीं, हर जीव मात्र पर दया करता है वैष्णव। क्यों करता है? क्योंकि सत्वगुणी ज्ञान से युक्त है,
वो सबको आत्मा की दृष्टि से देखता है। और दूसरा व्यक्ति रजोगुणी ध्यान वाला कौन सा होता है? बोले जो अलग अलग लोगों को अलग अलग दृष्टि से देखता है, उनको शरीर के स्तर पर देखता है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राशि जानो। और शेर को आत्मा तो मान नहीं रहा है, गधे को आत्मा मान नहीं रहा है, गधे को गधा मान रहा है, स्वयं को मनुष्य मान रहा है, मतलब राशि ज्ञान से युक्त है। नामदेव जी गंगोत्री गए और गंगोत्री से गंगा जल लेकर के आए रामेश्वर पर चढ़ाने के लिए। शास्त्र के अनुसार, रामायण के अनुसार, कोई गंगोत्री से जल ले जाकर के अगर रामेश्वर में जाकर के शंकर भगवान को तृप्त करता है, उनके ऊपर जल चढ़ाता है, जैसे कावड़ यात्रा वाले जो जल चढ़ाते हैं ना, ये बहुत पुराने समय से पद्धति चली आ रही है। तो गंगोत्री से जल चढ़ाने के लिए गए, आखिरी रात बची थी, वो रात पार सालों लग गए थे, आखिरी रात बची थी वो रात। अगर थोड़ा सा सहन करके चले जाते तो दूसरे दिन उनको, मतलब ज्यादा दूर नहीं बचे थे, रामेश्वर के पास ही रात्रि व्यतीत कर रहे थे। एक प्रकार से एक रात की जलनी थी, जाकर के रामेश्वर को जल चढ़ाना था। वहां सारे कांवड़िया एक प्रकार से एक साथ खड़े थे, अकेले तो नहीं लाए थे गंगोत्री से, और भी इनके सहपाठी लोग थे। तो वहीं पर क्या देखा, एक गधा बेचारा प्यासा मर रहा था। जब गधा प्यासा मर रहा था तो उन्होंने वही गंगोत्री का जल लेकर के गधे के मुंह में डाल दिया। सब लोग इनको थू थू करने लगे, देखो वैसे तो बड़ा साधु बनता है, गधे को गंगा जल पिला रहा है। अरे इतना कष्ट उठा करके सालों से हम भगवान शंकर के लिए लेकर आए, इनके अंदर तो बिल्कुल श्रद्धा ही नहीं है, भक्ति नहीं है, शंकर जी की आराधना छोड़ करके गधे को पानी पिला रहे, गधे को गंगा जल दे रहे। वास्तव में वो आत्मज्ञानी थे, वो गधे को गधा नहीं मानते थे और स्वयं को मनुष्य नहीं मानते थे, स्वयं को भी आत्मा मानते थे और गधे को भी आत्मा मानते थे। सोचते थे ये आत्मा भगवान के सभी अंश हैं, इसलिए बेचारा मर रहा है, इसकी मुझे सहायता करनी चाहिए, इससे भगवान कितने प्रसन्न होंगे। लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता था, लक्ष्य ये नहीं था कि गधों का टेक केयर करना चाहिए। कोई बेचारा गधा इत्तेफाक से आ गया परिस्थिति में दिखाई दे रहा है, तो उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट होकर के पड़ा, हमें क्या लेना देना, साइड से गाड़ी लेकर के निकल करके चले जाएं। बोले ये सतोगुनी ज्ञान वाला नहीं करेगा, रजोगुनी ज्ञान वाला करेगा। रजोगुनी ज्ञान वाला क्या सोचेगा, ये अलग आदमी है, ये हमारे घर का नहीं है, मर गया मरने दो, हमारे घर का आदमी, अरे रे हमारे घर की गाड़ी लग रही है तो ऐसे मर गया है, तुरंत गाड़ी रोक करके हम उसकी ओर ध्यान देंगे। क्यों, अपना पराया जाता है रजोगुनी व्यक्ति के अंतर्गत, सतोगुनी व्यक्ति के अंतर्गत ऐसा नहीं आता। वो जानते हुए भी कि अलग अलग शरीरों को प्राप्त हैं लोग अपने कर्मानुसार, लेकिन फिर भी वो जैसा संभव उससे हो जाता है, उस संभव के अनुसार उसकी वो दया वृत्ति उस जीव के प्रति उमड़ के आ जाती है, वो दया करता है। तो राशि लोग कौन होते हैं, जो अपना पराया करते हैं, मैं मेरा करते हैं, तू तेरा करते हैं, बोले यही माया की शुरुआत है। गुरु महाराज कहते हैं ना, मैं और मेरा तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। हम सभी मैं मेरा तू तेरा, वो राशि ज्ञान वाला व्यक्ति करता है। तामसी ज्ञान वाला क्या क्या होता है? बोले वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, देखो अति तुच्छ कार्य दारू पीना, अति तुच्छ कार्य मांसाहार करना, अलग अलग ही नहीं देखता, अपना ही भला नहीं देखता, उल्टा दूसरे को मार करके खुद अपने जीवन को जीने की चेष्टा करता है, बोले वो तामसी व्यक्ति होता है। सब कुछ मानकर सत्य को बिना, सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वास्तविक सत्य को नहीं जानता, वो तामसी कहा जाता है। इसके पश्चात अब भगवान कर्म के बारे में बता रहे हैं। जब ज्ञान आएगा व्यक्ति के अंदर, जैसे हमने पहले सीखा था, किसी भी कार्य को लेकर के तीन घटक थे, करण, कर्म और कर्ता। लेकिन उससे पहले उस कार्य को करने की प्रेरणा प्राप्त होती थी। प्रेरणा कहाँ से मिलती थी? ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, इन तीन लोगों से कोई भी कार्य सूक्ष्म स्तर पर पहले घटित होता है, फिर स्थूल स्तर पर घटित होता है। तो कुल मिलाकर के किसी भी कार्य के लिए छह की छह चीजें लगती हैं। तो हमने ज्ञान के बारे में भगवान ने कृपा करके बताया, सत्वगुणी ज्ञान वाला कौन व्यक्ति है, रजोगुणी ज्ञान वाला कौन है, तमोगुणी ज्ञान वाला कौन है। अब इनके कार्य बता रहे हैं कि इसके प्रभाव से
सतोगुणी व्यक्ति के कर्म कौन से कहलाएंगे, रजोगुणी व्यक्ति के कार्य किस प्रकार से होते हैं और तमोगुणी व्यक्ति के कर्म किस प्रकार के होते हैं। देखो हर चीज को भगवान खोल खोल करके बता रहे, कितनी दया है भगवान की। फिर भी मूर्खों को बात समझ में नहीं आए तो क्या किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं 23वें श्लोक में, नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम। ध्यान दो, भक्त की पहचान क्या होती है? सबसे पहली नियतम, कौन से व्यक्ति की, जो सतोगुणी ज्ञान से युक्त है। नियतम, नियतम मतलब तुम्हारे लिए निर्धारित है, तुम्हारे लिए नियत है, तुम्हें ये कार्य करना ही है, तुम्हें अच्छा लगे या अच्छा ना लगे। नियतम अर्थात निर्देशित कार्य करने हैं जो हमें शास्त्र ने बता दिया। अब हम भक्तों के लिए क्या निर्देशित कार्य है? बोले 16 माला करना ही करना है, कैसी भी हालत में सुबह उठना ही उठना है, भागवतम सुनना ही सुनना है, भगवत गीता पढ़ना ही पढ़ना है, गुरु जी के हर आदेश का पालन करना ही करना है, प्रचार प्रसार करना ही है, नगर कीर्तन करना ही है, विग्रह सेवा करनी है, फूल चढ़ाने हैं, सारी आरतियां अटेंड करनी करनी। ये क्या है? बोले नियत आदेश है। लेकिन अगर हमारे अंदर सतोगुणी प्रवृत्ति होगी ज्ञान की, तो हम निश्चित रूप से सतोगुणी कार्य के रूप में नियत कार्यों को कर लेंगे। ये भागवत धर्म के अंतर्गत के नियत कार्य हैं, दूसरे वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत के अपने नियत कार्य हैं। तो जो व्यक्ति होता है सतोगुण के अंतर्गत, वो इन नियत कार्यों को अंगीकार कर लेता है। कैसे कर लेता है? संग रहितम। अपने आप को ऐसा नहीं समझता कि मैं कर रहा हूं इस कार्य को, ध्यान दें, संग रहितम। आसक्ति, आसक्ति मतलब कर्तापने की, मैं करने वाला हूं। क्यों इस बात को ऐसा समझ पाता है? क्योंकि उसने पहले ही सीख लिया है कि किसी भी कार्य को करने के 5 कारण होते हैं, अकेला मैं ही कारण नहीं हूं, और उन 5 कारणों में भी प्रमुख कारण तो भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान मेरे से करा ले रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं कहता मैं 16 माला करता हूँ, नहीं, भगवान दया करके मेरे से 16 माला करवा ले रहे हैं। पता नहीं उन्होंने कैसे दया कर दी मेरे जैसे पतित व्यक्ति पर। ऐसा दृष्टिकोण रखता है, ये नहीं सोचता मैं ही मंगल आरती करता हूँ, बाकी तो कोई आता, भगवान करा ले रहे हैं मेरे से मंगल आरती, भगवान मेरे से भक्ति के लिए गीता पढ़वा ले रहे हैं, भागवतम पढ़वा ले रहे हैं, ये प्रचार कार्य भगवान करवा ले रहे हैं। प्रभुपा जी को एक बार कहा गया, मायापुर के अंदर सारे विदेशी भक्त लोग बैठे हुए थे, प्रभुपा जी को कहा गया, प्रभुपा यू आर इवन ग्रेटर देन लॉर्ड चैतन्य, आप चैतन्य महाप्रभु से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने तो भारत भूमि में ही प्रचार किया, आपने तो सारे संसार में प्रचार कर दिया, आप तो चैतन्य महाप्रभु से भी बढ़कर हैं, भगवान से भी बढ़कर हैं आप तो एक प्रकार से। महाप्रभु क्या कहते, प्रभुपा जी क्या कहते, आई एम एन ओल्ड मैन, व्हाट कैन आई डू। देखो प्रभुपा जी कैसे मान है, हम होते तो क्या कहते, मैंने बुढ़ापे में भी ये करके दिखा दिया, तुम्हारी क्या औकात है। हम तो बुढ़ापे में भी झंडा ऊंचा करने का प्रयास करते, किसी को पूछो ना बुढ़ापे कितनी एज है, बोले 25+ या 16+, माने 16 साल प्लस प्लस बोलता, बुढ़ा बुढ़ापा अपने आप को मानने की चेष्टा ही नहीं करता। और एक वैष्णव कैसा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? एक देहरादून में एक व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति था, वो एक मंदिर संभालता है, काफी बड़ा एम्पायर है उसका, काफी बड़ी जमीन है। तो उसको भक्त लोग बोले, थोड़ा सा जगदीश हरी जी ने उसको बोतल में उतारने की चेष्टा की, यार जमीन तुम हमें दे दो, तुम्हारी वैसे ही 75 साल 70 साल की उम्र तो हो गई। वो बेचारा तैयार भी हो गया। अच्छा तैयार हो गया, आप चिंता मत करो, आप अपने आप को हतोत्साहित मत समझो। और जगदीश हरी प्रभु ने उनको बोला प्रभुपा जी के बारे में, और बता प्रभुपा जी ने तो 70 साल की आयु में तो आंदोलन चालू किया था, आप अपने आप को इतना कमजोर मत समझो। और जैसे उसने सोचा 70 साल की आयु में आंदोलन चालू किया था, तो उसके मन में भी आ गया 70 साल में मैं भी आंदोलन चालू करता हूँ। बेचारा जमीन देने जा रहा था, कैंसिल कर दिया उसने, बोले अब नहीं दूंगा, अब मैं ही आंदोलन चालू करूंगा। देखो संसार में, अरे मूर्ख व्यक्ति, 70 साल की उम्र के कारण उन्होंने चालू नहीं किया था, उन्होंने तो भक्ति की शक्ति से चालू किया था। वो अपने आप को बूढ़ा होकर के भी सोच रहा है मैं 70 साल की आयु में चालू कर दूंगा, और कैंसिल कर दिया उसने जमीन देना। अभी अकेला ही बस मच्छर मारता रहता, वहां करता धरता कुछ नहीं, क्या वो आंदोलन चालू करेगा, अपनी सुनाता रहता, सुनता कोई है नहीं उसका। अरे ऐसे कोई थोड़ी ना सुन लेगा, सुनने के लिए तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर भक्ति होगी, तभी तो आपकी बात कोई सुनेगा।
जब हमारे अंदर भक्ति नहीं तो दूसरा व्यक्ति कैसे सुनेगा। प्रभुपा जी के अंदर भक्ति थी, विनम्रता थी। प्रभुपा जी अपने आप को कभी कर्ता नहीं मानते थे। प्रभुपा जी क्या कह रहे हैं, आई एम एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति, व्हाट कैन आई डू, यू यंग गाइज एंड, हाँ यू यंग गाइज, यू अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग अमेरिकन लड़के लड़कियां, यू आर हेल्पिंग इन माई मिशन। एक्चुअली एवरी थिंग इज डन बाई लॉर्ड चैतन्य ओनली, सब कुछ तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ही कर रहे हैं। ये भक्त की पहचान होती है। इसलिए भक्त कैसा होता है, जब अपने कार्य को करता है तो नियतम निर्धारित आदेशित कार्यों को वो करता ही करता है। जैसे प्रभुपा जी को आदेश मिला, आप आपकी अंग्रेजी भाषा अच्छी है, आप विदेश में जाकर प्रचार करो। प्रभुपा जी ने आदेश को स्वीकार किया। 70 साल की आयु में भी, बुढ़ापे में भी प्रभुपा जी ने आदेश को स्वीकार किया। हम लोग तो जवानी में भी आदेश को स्वीकार नहीं करना चाहते, हम सोचते मेरा आदेश लोग कब स्वीकार करेंगे। कितना हमारे अंदर कर्तापन है। मेरा आदेश स्वीकार नहीं किया तो एकदम से अंदर हृदय उथल पुथल हो जाता है। व्यक्ति सोचता है यार मेरी बात नहीं सुनी इसने, धिक्कार है। अरे तुम्हारी बात कोई व्यक्ति तब तो कैसे सुनेगा, तुम कोई महान, कोई भगवान हो क्या, तुम्हारे आदेश को हर व्यक्ति पालन करेगा। तुम्हारे आदेश को तब व्यक्ति पालन करेगा जब तुम अपने आप में श्रेष्ठ आचरण जी के दिखाओ। यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतरो जना, श्रेष्ठ आचरण करोगे तब दूसरा व्यक्ति जिए। और श्रेष्ठ व्यक्ति को आचरण करने की कोई समय सीमा नहीं होती कि इतना समय उसको श्रेष्ठ आचरण करना पड़ेगा, मरते दम तक उसको श्रेष्ठ आचरण करना पड़ेगा, तभी दूसरे लोग उसको फॉलो करेंगे। 1 साल 2 साल बस श्रेष्ठ आचरण कर दिया, उसके बाद फिर मेरी तरह आदमी खर्राटे मारने लग गया और सोचा कि अब मेरे को मंगल आरती अटेंड करने की जरूरत नहीं, तुम लोग करते रहो, अब मुझे जप करने की जरूरत नहीं, तुम लोग करते रहो, तो बोले दूसरे लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, किसी भी हालत में नहीं सुनेंगे। अगर आपने बात सुनानी है तो आपको बजाय मुंह से बोलने के आप अपने कार्यों से करके दिखाओ। यदि मैं मेरे कार्यों से कब तक करके दिखाना पड़ेगा, बोले मरते दम तक करके दिखाओगे तो मरते दम तक सामने वाले सुनेंगे, नहीं दिखा पाओगे तो नहीं सुनेंगे। कार्य करना बहुत जरूरी है, लेकिन कार्य कैसे करें, संग रहितम आसक्ति से रहित तो होकर। ये नहीं मैं देखो बुढ़ापे में भी इतना मंगल आरती कर रहा हूँ तुम लोग नहीं कर पा रहे, नहीं मुझसे भगवान करा दे रहे। संग रहितम नियतम संग रहितम, और किस तरह से, अराग द्वेषतः कृतम, अर्थात राग मतलब अच्छा लगना, द्वेष मतलब अच्छा नहीं लगना। कोई काम हमें अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है। अराग, राग वाले कार्यों को तो हम कर लेते हैं और द्वेष वाले कार्यों को हम छोड़ देते हैं। बोले नहीं, राग में भी अ शब्द जोड़ दिया यहाँ। बोले किसी कार्य में राग है उसको तो करता ही करता आदमी, अराग अर्थात बिना अच्छे लगे भी करना। किसी कार्य को घृणा हो रही हमारी, उसमें अद्वेष अर्थात बिना घृणा किए हुए भी करना, घृणा हो रही है तो भी करना, उसमें चॉइस नहीं चलती। बोले और क्या खासियत होती है ऐसे सतोगुनी कर्म की। बोले अब हम तोल सकते हैं अपने आप को कि हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लो गर्मी में भोजन बनाना, अब गर्मी में भोजन बनाना, कुकिंग करना अच्छा थोड़ी लगेगा, लेकिन फिर भी करना। सर्दी में ठंडे पानी से नहाना अच्छा लगता है क्या किसी को, बोले फिर भी ठंडे पानी से नहाना, यार नॉर्मल पानी से नहा लेना, सर्दी में नहाना ही बड़ी बात है, किसी भी पानी से नहा ले बहुत बड़ी कृपा है उसकी। तो बोले अच्छा लगे या अच्छा ना लगे हमें किसी भी हालत में करना। और क्या खासियत है, 3 बातें बताई, नियतम निर्देशित कार्य करना होगा, दूसरा संग रहितम मैं कर रहा हूं ऐसी कॉन्शियसनेस नहीं होनी चाहिए, तीसरा अराग द्वेषतः कृतम अर्थात बिना किसी अटैचमेंट या डिटैचमेंट को कंसीडर किए हुए उसको वो कार्य एग्जीक्यूट करना ही होगा, अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, चौथा अफल प्रेप सुना, बोले हम फल के आकांक्षी नहीं होने चाहिए, फल के प्यास के साथ कार्य नहीं करना। प्रेप्सु मतलब प्यास, प्रेप्सु मतलब इच्छा, हमें फल की इच्छा के साथ कार्य नहीं करना चाहिए। ये कार्य मैं करूंगा, मान लो गुरुजी ने बोला है कि बेटा तू जप किया कर, मंगल आरती किया कर, और गीता क्लास लिया कर, भागवत क्लास लिया कर,
और कुल मिलाकर के प्रचार प्रसार करो, नगर संकीर्तन करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। बोले ये सब मैं करूंगा तो क्या करो, क्या हो जाएगा? एक दिन में टेंपल प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। बोले टेंपल प्रेसिडेंट बन करके तुम भोग करना चाहते हो, राजभोग खाना चाहते हो? हाँ। बोले ये फल फ्रेपसू बन गए तुम। तब बोले मेरा सब ऑर्डर चलेगा, सब मैं ही चेक साइन किया करूंगा, जिस गाड़ी में चाहूंगा उस गाड़ी में बैठ के घूमा करूंगा, जहां जाना चाहूंगा वहां जाऊंगा। अभी तो मेरे को पूछ पूछ के वृंदावन जाना पड़ता है, पूछ पूछ के गोवर्धन जाना पड़ता है, ये सब झंझट कब समाप्त हो? जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, जब मन करेगा तब टिकट निकाल के चले जाया करूंगा। ये सब क्या है? फल प्रेपसु है। बोले हमें अफल प्रेपसुनाम, किसी फल के प्रति आकांक्षा प्यास नहीं होनी चाहिए। कोई कर्म करता यत सात्विकम उच्यते, उसे सात्विक कर्म कहते हैं। अफल प्रेप सुना कर्म यत तत् सात्विकम उच्यते, उसे सात्विक फल सात्विक कर्म कहते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं तात्पर्य में, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है। ध्यान दें, पहला नियमित है अर्थात जो निर्देशित है, दूसरा आसक्ति मतलब हम कर रहे हैं ऐसी भावना नहीं हो, तीसरा राग द्वेष से रहित होना चाहिए, अच्छा लगे अच्छा ना लगे, चौथा कर्म फल की चाह के बिना होना चाहिए। विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्ति परक कर्म, देखो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग निर्देशित कर्म होते हैं। अभी जैसे अर्जुन के लिए निर्देशित कर्म क्या था? युद्ध लड़ना। अब युद्ध लड़ना ये अर्जुन के लिए नियत कर्म था, और ब्राह्मण के लिए नियत कर्म क्या है? युद्ध नहीं लड़ना। अब ब्राह्मण सोचे कि मेरे लिए नियत कर्म युद्ध लड़ना है तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए भीमसेन ने द्रोणाचार्य, अरे द्रोणाचार्य अब कहाँ, ये नहीं द्रुपद ने कहा था द्रोणाचार्य को, आप कहाँ ये अस्त्र शस्त्रों के चक्कर में आप पढ़ करके यहाँ युद्ध स्थली में आ गए, आप ब्राह्मण है, आपका लेना देना शास्त्रों से होना चाहिए, आप जाइए शास्त्रों को पढ़िए। तो अपने अपने नियत कर्म सबके निर्धारित है, जिसको जो नियत कर्म दिया गया उसका भला उसी नियत कर्म से होगा। इसलिए जैसी जिसकी वृत्ति है, किसी की शूद्र वृत्ति है तो उसके लिए अलग नियत कर्म है, किसी की वैश्य वृत्ति है तो उसके लिए अलग नियत कर्म है, किसी की क्षत्रिय वृत्ति है तो उसकी अलग नियत कर्म है, किसी की ब्राह्मण वृत्ति है तो उसके लिए अलग नियत कर्म है, किसी की संन्यास की वृत्ति है तो अलग नियत है, किसी की वानप्रस्थ की वृत्ति आ चुकी है तो उसके लिए अलग नियत कर्म है, किसी की गृहस्थ की वृत्ति है तो उसके लिए अलग नियत कर्म है, किसी की ब्रह्मचारी की वृत्ति है तो उसके लिए अलग नियत कर्म। नियत मतलब निर्देशित कार्य। और इन सब से ऊपर अगर कोई वैष्णव बन जाए तो बोले उसके लिए अलग नियत कर। इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्ति पर कर्म, जो अनासक्त भाव से, देखो अनासक्त भाव से अर्थात मैं करूंगा इन कार्यों को इस भाव से नहीं, अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना। स्वामित्व के अधिकारों के बिना कब माना जाएगा? जब कोई कह रहा है मैं कर रहा हूं तो उस पर स्वामित्व जताएगा वो, जब ये समझेगा कि मैं नहीं कर रहा हूं तो उस कार्य को स्वामित्व के रूप में कैसे लेगा? इसलिए अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना, और कैसे? प्रेम घृणा भाव रहित। तो फिर किस लिए काम कर रहा है फिर कोई व्यक्ति, जब अपना कोई फल ही नहीं चाह रहा है, अच्छा बुरा का भी नहीं सोच रहा है कि मेरे को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या अपने आप को कर्ता भी नहीं मान रहा, तो क्यों करेगा? बोले केवल परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए। ध्यान दें, एक ही फल दिमाग में बैठ जाए, बस सतोगुनी व्यक्ति का ज्ञान, सतोगुनी व्यक्ति के कार्य, सतोगुनी कर्ता का नेचर ऐसा होता है, एक लक्ष्य होता है बस उसका, भगवान की प्रसन्नता। बस प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं वे कार्य सात्विक कहलाते हैं। कितनी स्पष्टता के साथ प्रभुपाद है। दूसरा, यत्तु कामेप सुना कर्म स अहंकारेण वा पुनः, देखो संगति रहित बताया था पहला वाला, संगति रहित का अर्थ आसक्ति रहित, आसक्ति रहित का अर्थ बिना कर्तृत्व के मैं कर रहा हूं।
अभी इसका विपरीत है राजसी कर्म। राजसी कर्म में क्या है? अहंकारेन स अहंकारेन, अहंकार के साथ करना। आसक्ति का अर्थ मैं क्यों लिया गया? क्योंकि आगे वाले श्लोक में भगवान ने इसे स्पष्ट कर दिया। स्पष्ट करके क्या बोला? अहंकार के साथ। इसका मतलब पहले वाला अहंकार के रहित होना चाहिए। तो अहंकार के साथ बोले और क्या? कामेप सुना, जैसे पहले बताया था अफल प्रेप सुना। अब यहां फल क्या है? बोले काम। काम एप सुना अर्थात काम की प्यास के साथ। काम मतलब कामनाएं, कामना मतलब इच्छाएं। इच्छाएं कोई भी हो सकती है। संसार में बड़ा बनने की इच्छा से लेकर के स्वर्ग में जाने की इच्छा तक, संसार में सब दुनिया भर की इच्छाएं भरी पड़ी है। अलग अलग इंद्रियों की अनंत इच्छाएं हैं। एक जीव की कितनी इच्छाएं हैं, एक नाक की कितनी इच्छा है, एक कान की कितनी इच्छाएं, एक आंखों की कितनी इच्छाएं। बोले यत तू, लेकिन जो काम एप सुना इच्छा के साथ कर्म किया जाता है और साथ में अहंकार के साथ कार्य किया जाता है, मैं कर रहा हूं। वा पुनः क्रियते बहुलायासम, बहुलायासम एक होता है प्रायासम, प्रयासम। प्रायासम मतलब प्र मतलब प्रकृष्ट, आयासम मतलब कठिन परिश्रम। बहुत मेहनत करके जो कार्य किया जाए, या दूसरे शब्दों में बहुला आयासम, बहुल आयासम। बहुल मतलब जिसमें बहुत ताकत लगे, बहुत मेहनत लगे, बहुत प्रयास करना पड़े। बोले क्रियते बहुला आयासम। अब देखो फल जब दिमाग में बैठ जाता है ना, तो आदमी हर मेहनत को स्वीकार कर लेता है, हर कठिन परिश्रम को स्वीकार कर लेता है। क्योंकि उसको पता है मेरे को 50,000 रुपये महीने मिलने वाले हैं, और 50,000 रुपये महीने से मैं गाड़ी खरीदूंगा, फिर मेरे को पत्नी मिलेगी, फिर बच्चे होंगे, फिर आम खरीद के लाऊंगा, फिर बच्चों को आम खिलाऊंगा। इस प्रकार से वो खूब मन में हवाई किले बनाता रहता है। एक फ्लैट यहाँ लूंगा, एक फ्लैट वहां लूंगा, और खुद अगर ताकतवर नहीं होता तो लोन ले लेता। बोले लोन चुकाता रहूंगा मैं, EMI भरता रहूंगा, पूरा जीवन गधा मजूरी करता रहता है, 10 10 12 12 14 14 घंटे। इसे कहते हैं बहुल आयासम। 2 वक्त की रोटी के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे गधा मजूरी वैष्णव लोग नहीं करते, करने की जरूरत भी नहीं भगवान पढ़ने देते। आराम से बैठ करके एक जगह जप करते हैं, आराम से कीर्तन करते हैं, नाचते गाते हैं। ऐसा गधा मजूरी नहीं करते कि बस फर्नेस पर जाकर के खड़े हो गए और भट्टी की अब तपन से एकदम से तप रहा है शरीर, फिर भी लोहा पिघला रहे हैं और रोलिंग मिल में काम कर रहे हैं, उल्टे सीधे कामों में, उग्र कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसा वैष्णवों को बनने की, सत्गुणी लोगों को ऐसा कष्ट उठाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो किसी फल के पीछे भागते नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि वो कोई कष्ट नहीं उठाते, वो भी मेहनत करते हैं। इसकी प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के, भगवान की प्रसन्नता के। यहाँ पर ये व्यक्ति क्या करता है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति। यत् तु कामेप सुना कर्म स अहंकारेण वा पुनः, और अहंकार के साथ करता है। क्रियते बहुलायासम, बहुत अधिक कष्ट उठाता है। तद राजसम उदाहरतम, बोले उसे राजसी कर्म कहा जाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। तो मिथ्या अहंकारी। तीसरा है तमोगुणी कार्य, वो कौन सा है? बोले अनुबंधम क्षयम हिंसाम। विचार करें जिस कार्य में विनाश हो अपना भी और दूसरों का भी। क्षयम मतलब स्वयं का, और हिंसा मतलब अन्यों को, खुद को कष्ट दिया जाए और दूसरों को कष्ट दिया जाए। और ये कैसा है? भावी बंधन देने वाला अनुबंधन। अनुबंधन आगे चल करके हम निश्चित रूप से बांधे जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को अगर मर्डर कर दिया तो उसको निश्चित रूप से गले में रस्सा बांधा जाएगा और उसको हैंग टिल डेथ किया जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरों को कष्ट देने के हिसाब से कार्य करता है, अनुबंधम क्षयम हिंसाम, और कैसा करता है वो? अनपेक्षा च पौरुषम। अनपेक्ष मतलब ये वैष्णव वाला अनपेक्ष नहीं है, वैष्णव भी अनपेक्ष रुचिर दक्ष होते हैं। ये अनपेक्ष कैसा है? बोले जो होगा देखा जाएगा। एक होता है
कोई अपेक्षा नहीं है प्रभु, मैं आपकी भक्ति करूं, लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई बनिया थोड़ी हूं जो आपकी भक्ति करूं और बदले में कुछ चाहूं। एक वो अनपेक्षा है कि कोई अपेक्षा नहीं है। एक कौन सी अनपेक्षा है? नरक में जाना पड़े, बोले जाएंगे, कोई लेना कोई फर्क नहीं, जहां फेंक देंगे वहां पड़े जाएंगे, कोई नहीं। ये वो वाला अनपेक्षा है, अर्थात परिणाम पर विचार किए बिना क्या होगा क्या नहीं होगा कोई लेना देना नहीं, बस खाओ पियो मौज करो, ये वाला जो कंसेप्ट लोगों का होता है। दूसरों को मारो खुद मरो जैसे तैसे करके बस, बोले मोहात आरभ्यते कर्म। इनके कार्य कैसे होते हैं? मोह के कारण आरंभ किए जाते हैं। मोह मतलब पूरी तरह से भ्रमित है, इनको पता ही नहीं कि जीवन में कहाँ से आए कहाँ जाएंगे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, भगवान कौन है, हमारा उनसे नाता क्या है, कोई लेना देना नहीं। यत तामसम उच्चते, अर्थात जो कर्म मोहवश, और कैसा मोहवश, मतलब शास्त्र थोड़ी आदेश दे रहा है, शास्त्र का तो उनको पता ही नहीं। जैसे हम लोग प्राय अपने जीवन को मोहवश जीते हैं, पत्नी जैसे कहती है वैसे कार्य करते हैं, बच्चे जैसे कहते हैं वैसे कार्य करते हैं। एक व्यक्ति अमृतसर में बहुत बड़ी मंदिर के पास वृंदावन गार्डन में उसने कोठी बना रखी है, हमारे मंदिर के पास में, और कोठी खाली पड़ी हुई थी। वहां पर हमें एक कमरा दिया गया था, कमरे के सामने एक कोठी थी, हमारी नजर थी उस पर। हमने बोला यार इसके मालिक से मिलाओ, तो एक बूढ़ा सा व्यक्ति आया, उससे हमने बातचीत की। हमने कहा ये कोठी खाली पड़ी रहती है, आपके पास कोई कमी तो है नहीं, आप बिल्डर हैं, दुनिया भर के आपने मकान बना बना करके बेच दिए, वो पैसा कमाया, छाती पे रख करके तो कोई लेके जाने वाला नहीं, आप कुछ भला कर लो, इस कोठी को हमें दान में दे दो, भक्त लोग आकर के इसमें रहेंगे, कितना अच्छा हो जाएगा, कितने पुण्य मिलेंगे, जनरेशन तक आपकी लेगेसी कंटिन्यू हो जाएगी, इतनी सौभाग्य की बात है। और ये केवल बात मैं उनको ही नहीं कह रहा था, उनके माध्यम से मैं आप सबको भी बात बता रहा हूँ, आप सब भी इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते। जिनके पास एक कमरा है दूसरी कोठी बनी हुई है वो रजिस्ट्री कर सकते हैं, और मेरे को आप मैसेज कर देना, मैं आ जाऊंगा रजिस्ट्री करवाने के लिए, ठीक है? जो भी व्यक्ति जहाँ भी जो कुछ भी देना चाहता हो वहां सेंटर खोल देंगे, प्रचार प्रसार होगा, इतना अच्छा हो जाएगा। तो मैं उसको बोला ऐसा, तो मेरे को कहता है हाँ प्रभु जी बात तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे बच्चों से पूछना पड़ेगा। मैं हैरान हो गया, मैं बोला वही समय था बच्चे आपसे पूछ पूछ के काम करते थे, अभी आप बड़े हो गए या छोटे हो गए? बोले प्रभु जी क्या बताएं, बड़े तो हो गए लेकिन बड़े होकर के भी छोटे ही हो गए। अब बोले बच्चे बड़े हो गए, अब हम छोटे हो गए, अब बोले बच्चों से पूछ पूछ के काम करना पड़ता है, अब हमारी चलती नहीं, बच्चों से पूछना पड़ेगा। मतलब पूछ लिया आपने बच्चों से और हमें डोनेशन में प्राप्त हो गई आपकी बिल्डिंग, आप रखो अपनी धर्मशाला अपने पास, जाओ घोर नरक में सड़ो जाकर बेचारा क्या करेगा, नरक में जाना पड़ेगा। शास्त्र आज्ञा का पालन तो किया नहीं जीवन में कभी, तो इस प्रकार से सब मोहवश कोई पत्नी के कहने पर काम करता है। दरवाजे पर भक्त पहुंच गए गीता लेकर के, पत्नी कह रही है नहीं नहीं हमें कोई गीता पीता नहीं लेनी, वो बेचारा लेने ही जा रहा था लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। पैसा आप फालतू में ऐसे ही बहाते रहते हो, उसने दरवाजे ने प्रभु जी बीवी मना कर रही है आप जाओ आगे जाके किसी को बेचो। इस प्रकार से कोई पत्नी के कहने पर काम करता है, कोई बच्चों के कहने पर काम करता है, कोई दादा दादी के कहने पर काम करता है, लेकिन गुरु कृष्ण शास्त्र के कहने पर साधु के कहने पर जब तक हम कार्य नहीं करते, हमारे सारे कार्य मोहवश माने जाते हैं और मोहवश का परिणाम अच्छा नहीं होता, और नरक में जाना पड़ेगा। कह रहे हैं यहाँ पर जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना, हमें होश ही नहीं कि आगे चल करके हमें बांध दिया जाएगा प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा, या हिंसा या अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कार्य कहलाता है। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को जिन्हें यमदूत कहते हैं देना होता है, सब लेखा जोखा देना पड़ेगा। जैसे गुरु महाराज भजन गाते हैं ना, हंस देने खिलखिल जेने यम्मा ने लेखा लेना फड़के तलवार कर लो, यमराज ने यमराज के दूतों ने तलवार निकाल करके सब लेखा जोखा लेना है, सब हिसाब किताब निकालेंगे। पींदे शराब बैठे खांदे कबाब बैठे,
बन के नवाब बैठे हो ना हिसाब कर लो, कल हिसाब होगा। आज नवाबगिरी चला लो, कितने दिन तक चलाओगे। इसलिए लेखा देखा यमदूत कहते हैं, देना होता है उत्तरदायित्व विहीन कर्म विनाशकारी हैं। हमने उत्तरदायित्व नहीं निभाया, उत्तरदायित्व मतलब शास्त्र के आदेश का पालन नहीं किया, क्योंकि देखो वही बात आ गई, क्योंकि इसमें शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है, हम शास्त्र के विपरीत काम चलते। ऐसे लोग दान देना तो दूर की बात, वो सोचते हैं मंदिर की है जमीन पीछे की और खाली पड़ी, इसमें हम अपनी गाड़ी पार्किंग चालू कर देते हैं। वो मंदिर से हड़पना चाहते हैं, मंदिर से सोचते हैं यहाँ सुबह शाम तो भंडारा होता, अपने घर पे चूल्हा जलाने की क्या जरूरत है, चलो यही खा के पेट भर लिया करेंगे, आदमी का कुछ ना कुछ अन्न बचेगा हमारा, कैसे धूर्त होते हैं। अरे खाओ मंदिर का प्रसाद खाओ, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी कि मंदिर में तुम्हारे पास दिया भगवान ने उसको चढ़ाओ नहीं। हाँ पूरी तरह से समर्पित हो, तुमने अपने जीवन ही चढ़ा दिया तो फिर क्या लेना देना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, जो कुछ भी है सब पहले ही चढ़ा चुके हो तुम। फिर बिंदास खाओ रोज सुबह दोपहर शाम खाओ, किचन में घुस करके बना के खाओ, कौन रोक रहा है। लेकिन जब तक तुमने समर्पण नहीं किया है तब तक खा रहे हो, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ समर्पण करने की वृत्ति होनी चाहिए। लेकिन उत्तरदायित्व तो विहीन जीवन होता है, लोग मंदिर के ऊपर ही अपने जीवन को जीने लगते हैं, सोचते हैं मंदिर वाले फोकट में रख लेते हैं और फोकट में खिलाते रहते हैं, कर्म लगते हैं भयानक। दान का खाना मतलब लोहे के चने चबाने जैसा होता है, लोहे का चना चबाने पर पचाना भी बहुत कठिन हो जाता है, पचाना तो दूर चबा ही नहीं सकते आप आसानी से, दांत तोड़ देगा लेकिन वो खुद नहीं टूटेगा, बचाओगे क्या खाक। इसलिए ध्यान रखना चाहिए हमको, चाहे हम स्टूडेंट लाइफ में हैं या हम गृहस्थ लाइफ में हैं, किसी भी जीवन में हैं, हमें दान की चीजें इतना ग्रहण नहीं करना चाहिए, और ग्रहण कर रहे हैं तो उसके बदले में या तो सेवा करें उचित मात्रा में, या फिर अपने जीवन में जो हमने अर्न किया है, जो पैसा धेला कमाया है, उस पैसे धेले को समर्पित करना चाहिए, दान देना चाहिए, नहीं तो आदेशों की अवहेलना हो जाती है, विनाशकारी है, क्योंकि इसमें शास्त्रीय आदेशों के विनाश होता है, या प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है और यह मोह कहलाता है। हर व्यक्ति अपने अनुभव से कार्य करता है, दूसरों को अपना अनुभव बांटना भी चाहता है, हर व्यक्ति सोचता है मेरे अनुसार काम करो, मेरे अनुसार। क्यों भैया, तुम ब्रह्मा हो क्या? सारी सृष्टि में सबसे पहले तुमने हृदय में ज्ञान प्राप्त किया है क्या? तेने हृदय आदि कवि, जैसे आदि कवि ब्रह्मा जी ने हृदय में प्राप्त किया था, शायद तुमने भी बिना किसी परंपरा के, बिना किसी कथा श्रवण के, तुमने भी लगता है हृदय में प्राप्त किया। मूर्खों की कमी नहीं है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फल स्वरूप होता है, इसलिए हमें ऐसे कार्यों से अपने आप को बचाना चाहिए और जीवन को भगवान की शरणागति में आगे बढ़ाना चाहिए। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, मुक्त संगो अनहमवादी, फिर भगवान सावधान कर रहे हैं 26वें श्लोक में, मुक्त संगो, अपने आप को संग से मुक्त कर लो, अर्थात कर्ता मत बनो, तुम कर रहे हो ऐसा मत। अरे सांस भी तुम नहीं ले सकते, तुम्हारी अगर ताकत होती सांस लेने की तो मरने के बाद सांस ले सकते थे तुम, सांस लेना भी तुम्हारे बस की बात नहीं, वो भी भगवान सांस लेके दे रहे हैं तुम्हें, भगवान की शक्ति से हम सांस ले पा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कह रहे मुक्त संगो, संग से मुक्त हो जाओ, अनहमवादी, अहंकार से मुक्त हो जाओ, अनहम, अहम नहीं अनहम, अर्थात अहंकार से रहित होकर के, और कैसे करो, धृति उत्साह समन्विता, यही तो संघर्ष है, यही तो टेक्निक है, यही तो की है, यही तो चाबी है कि भैया कैसे करना है। बोले करना इस तरह से कि तुम कर रहे हो ऐसा भी नहीं और उसका फल चाहिए ऐसा भी नहीं। आदमी को कई बार इन दो चीजों का अगर ऑप्शन मिल जाता है ना तो व्यक्ति काम करता है। जैसे कोई व्यक्ति को कोई फल नहीं देना है, किसी व्यक्ति से आपने कार्य कराना है फोकट में, उसको बदले में आपने सैलरी नहीं देनी, कुछ नहीं देना है, उस व्यक्ति को चने के झाड़ पे, अरे क्या ताकत है, क्या बॉडी बनाई है तुमने, इस लट्ठे को तो तू अकेला ही उठा करके यहाँ पटक सकता है, तो व्यक्ति अकेले ही उठा करके पटक देगा उसको, कार्य कर दिया उसने, कैसे कार्य कर दिया, आपने उसको चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, वाह शेर,
वाह, कितनी ताकत है तेरे अंदर, क्या शरीर है, लोहे जैसा शरीर है तेरा तो। मतलब उसके अहंकार को आपने चढ़ा दिया अच्छी तरह ऊंचाई पर। तो व्यक्ति कार्य, किसी भी कार्य को क्यों करता है, किस उत्साह से करता है? बोले उसको या तो अहंकार की संतुष्टि मिल जाए, जैसे किसी का नाम लगा दो बस, उसको लगे तो मंदिर से प्रसाद मत दो लेकिन डोनेशन लेकर के आप उसका नाम की तख्ती लगा दो बस, क्या संतुष्ट हो रहा है? उसका अहंकार संतुष्ट हो रहा है, उसको फल मिले या ना मिले। तो संसार में दो ही कारणों से व्यक्ति के अंदर उत्साह आता है, एक तो उसको पूछा जाए भाई ये बहुत बढ़िया आदमी साहब, इसका तो बुद्धि बहुत तीव्र है, इसकी शरीर की क्षमता बहुत अच्छी है, ये बहुत लगन के साथ कार्य करता है, उसके अहंकार को चढ़ा दो, बिना फल के ही आदमी काम करता है। और या फिर किसी को कुछ फल की प्राप्ति होती है, हाँ भैया चीला खाने को मिलेगा तो किचन में बर्तन धोएगा, चीला खाने को नहीं मिलेगा तो बर्तन धुलवा के दिखा दो आप, बिल्कुल भी बर्तन नहीं धोएगा। तो फल उससे कार्य करा लेता है, फल के कारण उत्साह प्राप्त होता है, फल नहीं है कुछ भी सामने तो उत्साह प्राप्त नहीं होता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं सात्विक कर्ता, अब भगवान कर्ता के बारे में बता रहे हैं, पहले भगवान ने ज्ञान बताया, सात्विक ज्ञान, राजसी ज्ञान, तामसी ज्ञान कौन सा होता है, फिर तीन प्रकार के कर्म बताए कौन कौन से, सात्विक कर्म, राजसी कर्म और तामसी कर्म। अब भगवान तीन प्रकार के कर्ता बता रहे हैं, तीन प्रकार के कर्ता कौन से होते हैं, सात्विक कर्ता, सात्विक कर्ता कौन सा है, मुक्त संगो, जिसका की आसक्ति नहीं किसी भी फल में। दूसरा अनाहमवादी, जो अपने आप को कर्ता नहीं मानता फिर भी धृति उत्साह समन्विता, उसके अंदर उत्साह है काम करने का। फिर उत्साह किस लिए है? बोले एक लक्ष्य समझता है वो, क्या, मुझे पवित्र करना है, मुझे अपने जीवन को शुद्ध बनाना है, मुझे भगवान की खुशी के लिए काम करना, ये लक्ष्य रहता है उसका। इसलिए वो कह रहे सिद्धि असिद्धि हो, भगवान क्या कह रहे हैं, सिद्धि असिद्धि हो निर्विकारम। बोले सिद्धि असिद्धि के प्रति वो कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी उसे कोई परवाह नहीं होती। बोले कर्ता सात्विक होते उसे सात्विक कर्ता, रूपा जी वर्णन करें, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है, वो सात्विक करता रहता है। ये नहीं भगवान दर्शन देंगे मेरे को आज तभी मैं जप करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा, या मेरे को हाँ बर्तन किचन के तब धोऊंगा जब मेरे को राजभोग की प्लेट मेरे लिए प्रिजर्व कर दी जाए, पहले ही फिक्स कर दो कि राजभोग की प्लेट मिलेगी तो मैं बर्तन धोऊंगा आकर के, नहीं तो नहीं धोया करूंगा मंदिर, या मैं भगवान को राजभोग बना करके कुकिंग में तभी भोग लगाऊंगा जब मेरे को भी राजभोग खाने को मिलेगा। मेरे को आप डिवोटी किचन से खिलाते हो और मैं डीटी किचन में काम करता हूँ, ये तो ठीक नहीं है। जैसे डिवोटी किचन भंगी लोग काम करते होंगे, अरे डिवोटी किचन में भी तो भक्त हैं, भक्त तो भगवान से बढ़कर होते हैं, डीटी किचन से भी श्रेष्ठ देखा जाए तो डिवोटी किचन की महिमा है जहाँ भक्तों का प्रसाद बनता है, इसलिए डीटी किचन का ही प्रसाद क्यों चाहिए, थोड़ा डिवोटी किचन का भी प्रसाद खा सकते। लेकिन ऐसी स्थिति हमारी कहाँ होती है, आपकी तो है, मेरी सबसे बड़ी समस्या है। कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है, उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती। क्या कार्य दिया गया, कीर्तन करना है, कितने लोग कीर्तन में आए हमारे साथ, नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, छाप छूटी नहीं छूटी कोई लेना देने, हमें आदेश दिया गया हमने कार्य किया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं है, हमने किया ना, आदेश का पालन किया, दैट्स ऑल। क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है, फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है, ये विशेष बात है। कार्य जब तक पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उसका उत्साह ठंडा नहीं होता, उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साहपूर्ण कार्य उत्साहपूर्ण रहता। प्रभुपाद जी ऐसे ही थे, वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता। लीग ऑफ डिवोटीज प्रभुपाद जी ने बनाया, झांसी के अंदर एक संस्था बनाया, फेल हो गया एक प्रकार से मिशन,
फेल हो गया तो हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ गए, उत्साहहीन होकर के वृंदावन में केवल माला घुमाते रहेंगे, परिक्रमा लगाते रहेंगे, ऐसा नहीं। गुरु जी ने प्रचार का उद्देश्य दिया है, उपदेश दिया है, उसका पालन करने के निकल पड़े, और ज्यादा वृद्धावस्था में भी निकल पड़े, आदेश का पालन करें। क्या उत्साह था प्रभुपाद जी के विचार को। और देखो वहां भी ऐसी सफलता नहीं मिली, वहां भी हर महीने जाकर के वापस जाते थे, बंदरगाह पर जाकर पूछते थे ये जलदूत वापस कब जाने वाला है, तो बताते थे इस तारीख में जाने वाला है, फिर उस तारीख पे पहुंचते नहीं थे, फिर अगली बार जाते थे अच्छा अब कब जाने वाला है, फिर उस तारीख पे नहीं पहुंचते थे। एक दिन वो मैनेजर बोला आप आ करके खाली पूछ के चले जाते हो, कब वापस जाने वाला है, कब वापस जाने वाला है, आप जाने का नाम तो लेते नहीं पीछे, हर बार खाली पूछ के नहीं आ जाते, क्या फायदा ऐसा पूछने से। बोले एक्चुअली मैं सोचता हूँ इस बार ट्राई करके देखता हूँ, इस बार ट्राई करके देखता हूँ, इस बार शायद भगवान मेरे ऊपर कृपा कर दे, अभी तक तो सफलता नहीं मिली लेकिन इस बार शायद सफलता हो जाए। तो सफलता को लक्षित तो होकर के नहीं, उत्साह प्रभुपाद जी का इतना जाता था कि उत्साह उनका शांत नहीं होता, और भगवान ने सफलता भी दिया। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में संभव रहता है, ऐसा करता सात्विक करता। तोलते चले हम सब अपने आप को कि हमारी स्थिति कैसी है, सात्विक कर्ता है या सात्विक ज्ञानी है या सात्विक कार्य कर रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है। अब इसके बाद राजसी कर्ता कौन है, बोले रागी कर्म फल प्रेप्सु, कर्म के फल को चाहने वाला रागी मतलब बहुत ज्यादा आसक्त है, छोड़ नहीं पा रहा है, लुब्धो हिंसात्मको अशुचि, और क्या करता है वो लोभी है, हिंसात्मक, हिंसात्मक मतलब जरूरी नहीं हिंसा मतलब दूसरे की जान ही लेना हिंसा कहलाता है, दूसरे से ईर्ष्या करना, और अशुचि ही सदा अपवित्र रहता है, हर्ष शोकान्विता, बड़ा कुछ मिल जाएगा तो एकदम हा ही करके खुश हो जाएगा, और कभी कुछ चला जाएगा 5 रुपया भी खो जाएगा तो दिन भर नींद नहीं आएगी उसको, आज 5 रुपया खो गया, और अगर 1,000 रुपया मिल जाएगा तो एकदम भूल करके लट्टू हो जाएगा, या खाली 1 रुपया भी मिल जाएगा कहीं पड़ा हुआ भोकट में तो बहुत खुश हो जाएगा, आज मुझे 1 रुपया मिल गया। बोले हर्ष शोकान्विता करता राजसा परिकीर्तिता, उसे राशि कर्ता कहा जाता है, जो कर्ता कर्म तथा फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राशि कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति को कहा जाए आ जाओ भैया भक्ति करने के लिए, बोले मकान का क्या होगा प्रभु जी, मकान खंडहर बन जाएगा, मेरे मकान की कौन रखवाली करेगा, अरे तू सदा मकान की रखवाली करते रहेगा, तू खुद खंडहर होने वाला है, थोड़े समय में बुढ़ापा आकर के तुम्हारा तुम खुद ही खंडहर चालू होने वाला हो, इसलिए लोग समझ नहीं पाते बेचारे अपने जीवन को। मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि भौतिक पदार्थों घर बार, देखो कौन कौन सी आसक्ति के कारण है, घर बार पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता, वो समझता ही नहीं कि मुझे ऊपर उठ के पवित्र होकर भगवान के धाम को जाना है, वो इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है, बस अब ठीक होगा, अब ठीक हो जाएगा, ऐसा करूंगा, बस वॉशिंग मशीन आ जाएगी फिर कपड़े धोने का झंझट खत्म, अब पंखा ले आऊंगा तो फिर बीजना चलाने का झंझट खत्म, अब कूलर ले आऊंगा तो ठंडी हवा आएगी, फिर गर्म हवा का भी झंझट खत्म, अब कूलर से भी जो सफोकेशन हो जाता है जो ह्यूमिडिटी आ जाती है बोल उसके लिए एसी ले आऊंगा फिर झंझट खत्म, ऐसे आरामदेह पर आरामदेह बनाने की चेष्टा करता है। बोले सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं, वो सोचता अब टेंशन खत्म, गाड़ी आ गई अब टेंशन, कल एक्सीडेंट हो गया उस गाड़ी का, बेचारी सोच रहा था कभी खत्म नहीं हुई गाड़ी ऐसे ही काम करेगी, अरे सब नश्वर है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है, क्यों ईर्ष्या करता है, दूसरे को मिल गया फल उसको नहीं मिला बेचारे को तो ईर्ष्या तो होगी, और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है, अतः वैसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या शुद्ध है, जहां से जैसे तैसे करके आए बस टोपी पहनाओ और पैसा कमाओ, बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया, यदि उसका कार्य सफल हो जाता है
तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी हो जाता है। कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं, रजोगुणी करता ऐसा ही होता है। अब इस तात्पर्य को सुनते सुनते ही मन में आ रहा होगा कि हाँ, हमारा भी कहीं ना कहीं इसमें हिस्सेदारी है। अब तमोगुणी व्यक्ति के भी कार्यकर्ता के थोड़े से सुन लो, बड़ी सुंदर परिभाषा है, विशेष रूप से मेरा इसमें वर्णन ज्यादा अच्छा हो रहा है। देखो, अयुक्त, आयुक्त तो मतलब बिल्कुल नहीं लगेगा, धक्का मार मार के लगाओ, 1000 बार बोलो माला जप ले भाई, माला जप ले, शास्त्र जिस कार्य को करने के लिए कह रहा है बिल्कुल नहीं करेगा। बोलेगा टाइम किसके पास है, बोले मरने के लिए टाइम नहीं है, आपकी गीता को कैसे पढ़ूं। लोग यहाँ तक नीचे गिर जाते हैं। अयुक्त अर्थात शास्त्र के आदेश में युक्त लगेगा नहीं। प्राकृत अर्थात घोर भौतिकतावादी, वो कभी सोच ही नहीं सकता कि इस संसार से भी बाहर कोई संसार। अरे इस संसार से बाहर तो इतना भी नहीं, उसको बोलो ना स्वर्ग नरक होता है, बोले किसने देखा स्वर्ग नरक, यही स्वर्ग है यही नरक है, कहीं स्वर्ग नरक नहीं है। अब उसको 14 प्लेनेटरी सिस्टम आप समझाने जाओ कि भैया भूवर लोक है। देखो गायत्री मंत्र में बोला जाता है ओम भूर भुव स्व, ये भूलोक है, इससे ऊपर भूवर लोक है, उससे ऊपर स्वर्ग लोक है, उससे ऊपर जन लोक है, उससे ऊपर तप लोक है, उससे ऊपर महर लोक है, उससे ऊपर सत्य लोक है। इतना सुनते सुनते ही बेहोश हो जाएगा वो। अरे ये सब कुछ भी आप माइथोलॉजी है, ये सब मनगढ़ंत विचारधारा है, आप डरा रहे हो बस। नीचे का बताओ उसको, अतल लोक है, वितल लोक है, सुतल लोक है, तलातल लोक है, महातल लोक है, रसातल लोक है, पाताल लोक है, हैंग हो जाएगा उसका दिमाग। ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग नर्क सुना है उसने, उसमें भी क्या सोचता है, कहीं कुछ नहीं है, सब यही है। देखे होंगे आपने ऐसे लोग बोलते हुए, हंसी आती है ऐसे लोगों को सुन करके, ये बेचारा बेवकूफ है, कूप मंडूक है, कुएं के अंदर मेढक पैदा हुआ है, इसको क्या पता समुद्र कितना बड़ा है, इसको कोई जानकारी नहीं है। इसलिए कैसे होते प्राकृत होते हैं इनको दिव्य परा प्रकृति, जो भगवान के धाम की प्रकृति, वो कहाँ समझ में आने वाली है, इतना सहज नहीं है। ये पके हुए घड़े होते हैं, बचपन से कभी सीखने सुनने को मिला नहीं, पूरा जीवन बस एक ही चीज सीखने सुनने को मिला, बस खाओ पियो मौज करो, पैसा कमाओ, बड़ा पद बन जाओ ले लो बस, और बस मर मरा करके बूढ़े होकर के चले जाओ। ये लोग तमोगुणी होते हैं। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध, स्तब्ध कहते एंठ, एंठ मतलब उसकी अकड़ जाती नहीं है, अपने आप में बड़ा अकड़ के चलता है। ऐसे लोगों को जब भयानक बीमारियां लग जाती है ना, सब ऐंठ निकल जाती है। एक व्यक्ति, एक प्रभु जी को उसने थप्पड़ मार दिया, तो अपशब्द कहने लग गया, मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मेरे को प्रभु जी ने रोक लिया। कॉलेज में जब हम पढ़ते थे, बुलेट गाड़ी थी उसकी, अलग ऐंठ में हेयर स्टाइल वगैरह बना करके, घड़ी पड़ी पहन करके बुलेट गाड़ी से चलता था। सब बुलेट गाड़ी वालों को मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप बहुतों के पास बुलेट गाड़ी होगी, एनफील्ड गाड़ी होगी, लेकिन उसकी अलग ऐंठ थी। वीरेंद्र को अपने ऊपर मत ले लेना, आपके ऊपर तो, आपके पास तो आर्मी वाली बुलेट गाड़ी है ऊपर से। आप दूसरों को ऐंठ दिखाते हैं, वो देखा है मैंने, लेकिन भक्तों के सामने आप ऐंठ नहीं दिखाते, वो अच्छी बात है। वैसे दूसरों को भी नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन दूसरों को कई बार जमाना भी पड़ता है, दबाना भी पड़ता है, जिससे शायद वो कुछ सीख लें श्रद्धा पैदा करने के लिए, नहीं तो वो हमें ऐसे ही चलता बनाएंगे। तो उसकी बड़ी ऐंठ थी, गाली गलौज कर रहा है, मेरे के अंदर ऐसा गुस्सा आया, मतलब बेटा तू जानता नहीं, भगवान तेरे को मिट्टी में मिला देंगे, जैसे योगी जी कहते हैं ना, मिट्टी में मिला दूंगा। उनके पास तो वो पावर है मुख्यमंत्री वाली, हमारे पास तो कोई पावर ऐसी है नहीं, हमारे पास तो ठाकुर जी से ही प्रार्थना कर दिया बस थोड़ी सी। 1 साल बाद बेचारे को कैंसर हो गया उसको, अब 1 साल के अंदर अंदर टपक करके चला गया बेचारे। इसलिए कभी ऐसी ऐंठ नहीं दिखानी चाहिए, ऐसी ऐंठ सब निकल जाती है, लेकिन ये लोग भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति को लेकर के अकड़ करके रहेंगे, नहीं, अरे किसने देखा भगवान है कि नहीं, बताओ आपने देखा क्या, और आप कैसे कह दोगे कि हाँ मैंने देखा, देखा तो हमने भी नहीं है, लेकिन हम तो शास्त्र से देखने की चेष्टा कर रहे हैं ना, हर चीज एकदम से चुटकी में थोड़ी देखने को मिल जाएगी, उसके लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ऐंठ रहती है इनके अंदर, शठो, शठो मतलब कपटी, घोर कपटी होते, आपके मुंह पर कुछ बोलेंगे पीछे कुछ और बोलेंगे। और नैष्कृतिक अर्थात दूसरों का अपमान करने में निपुण होते हैं,
कुछ ना कुछ ऐसे तौर तरीके निकाल लेंगे जिससे कि उनका अपमान हो जाए। और अलसहा, अलसहा मतलब आलसी। देखो मिलता जुलता आ रहे हैं कि नहीं शब्द, काफी हमारे जीवन से काफी मिल रहे हैं कि नहीं। अयुक्त, सालों सालों तक पीछे पड़ जाओ तब तो बड़ी मुश्किल से मंगल आरती चालू होती है। गलत तो नहीं कह रहा हूं वीरेंद्र प्रभु, में कितने सालों तक बोलने के पश्चात लोगों की मंगल आरती चालू। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको कैसे बोल सकता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबके सामने। एक बात कह रहा हूँ, इतने सालों तक पीछे पड़ते तब जाकर के बड़ी मुश्किल से तो हफ्ते में एक दिन चालू करता, और ऐसा सोचता है मैं हर संडे जाता हूँ जैसे उपकार कर रहा है भगवान के ऊपर जाकर के। ये नहीं देख रहा है कि कितने संडे नहीं गया या कितने हफ्ते में दिनों में मैं नहीं करता हूँ, वो नहीं याद है। कितना कर रहा हूँ, एक दिन कर रहा है वो याद है, 6 दिन नहीं कर रहा वो याद नहीं, उसको दुख नहीं हो रहा है। ऐसी विचित्र बात है। अयुक्त, शास्त्रों को आदेश को न मानने वाला। प्राकृत, प्रकृत संसार में इतना डूब गया जैसे लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहते हुए देखा है कि नहीं, मैं तो प्रभु जी समर्पित हो जाऊं लेकिन लोग क्या कहेंगे, पिताजी क्या कहेंगे, माता जी क्या कहेंगे। हाँ तुम्हारे माता पिता ही तो सृष्टि को आरंभ किए थे ना, इसलिए उनके कहने का तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है समाज में। अरे लोग क्या कहेंगे, जाने नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे। जैसे हम बहुत बड़े भगत सिंह हैं कि हमारी चर्चा चारों तरफ फैली हुई है पहले से ही, अरे हमें मक्खी मच्छर भी जानते नहीं मोहल्ले के, क्या कहेंगे। कुछ नहीं होने वाला है। प्राकृत, स्तब्ध, ऐंठ, शठ, शठ माने कपटी होते हैं। नैष्कृतिक अर्थात अन्यों का अपमान करने में। अलसा, खुद को महान बताएंगे दूसरों को नीचा दिखाएंगे। अलसा, आलसी। विषादी, विषादी मतलब खिन्न रहेंगे, हमेशा मुंह लटका रहेगा, कभी उनको देख करके दूसरा भी व्यक्ति सोचता है यार मैं ही खुश हूं, ये बेचारा दुखी है, ये बेचारे की हालत ऐसी खराब है, मैं क्यों खुश हूं, वो भी देख करके खिन्न हो जाता है, ऐसा भद्दा मुंह रहता है लोगों का। दीर्घ सूत्री, आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, इतनी जल्दी क्या हो ही जाएगा आराम से। आज मंगल तो कल थोड़ी कहीं बीत गई, कल आएगी, कल से चालू कर देंगे। आप एकदम से हाथ धो के पीछे पड़ जाते हो कि नहीं मंगल आरती करनी पड़ेगी, जप करना ही पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी, वही तो बातें बाद में सुन लेंगे, कौन सा इतना भाग करके जा रहा है। दीर्घ सूत्री चकर्ता तामस उच्चते, बोले ऐसा व्यक्ति तामसी करता, करना है प्रभु जी फुल टाइम तो होना है मेरे को बस 1 साल, ये नहीं कि कल भी नहीं, 1 साल, 1 साल भी नहीं 2 साल, 2 साल भी नहीं 4 साल, और 4 साल बस, 4 साल में मेरे को पैसा कमाना है, 4 साल से ज्यादा नहीं लूंगा। और विदेश जाकर के आदमी बोल पैसा ही कमाना है, थोड़ा ज्यादा कमाता हूँ प्रभु जी इसलिए विदेश चले गए, विदेश चले गए और वहां से आने का नाम ही नहीं ले रहे, वहीं सेटल हो गए, क्यों वापस जाएंगे तो 4 साल के बारे में पूछा जाएगा भक्तों द्वारा, इसलिए दूर ही रहो। दीर्घ सूत्री, हम प्राय दीर्घ सूत्री उच्चते, इसके अनुवाद को पढ़ के दी एंड करेंगे। जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकतावादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं प्राय भौतिकतावादी होते हैं, वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। प्रकृति गुण कौन से हो गए फिर, रजोगुण और तमोगुण विशेष रूप से। शास्त्रों के आदेश के अनुसार नहीं ऐसा करता, सतोगुणी कार्य भी कर सकता है अगर शास्त्र के आदेश के अनुसार नहीं कर रहा है तो। सतोगुणी कार्य कैसा है, जैसे मान लो सुबह जल्दी उठ करके कार्य कर रहा है लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहा है, सुबह जल्दी उठ करके वॉकिंग करेगा, देहरादून सेंटर के पास में मैंने देखा 2 माताएं डंडा लेकर के 4:15 बजे इधर उधर वॉकिंग कर रही हैं, लेकिन मंगल आरती करने के लिए पता नहीं क्या कटा पड़ जाती है। अरे थोड़ा सा डांस कर लो, उसमें सारी एक्सरसाइज का पसीना तुम्हारा ऐसे ही निकल जाएगा, कुत्ते की तरह इधर से उधर वॉकिंग करते रहेंगे सड़क पर, लेकिन अंदर नहीं आते। शास्त्र सतुगुणी है लेकिन शास्त्र के अनुशीलन करने वाले सतुगुणी नहीं, शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, नेचुरली सतोगुण वाली श्रद्धा है, शास्त्रीय श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते अर्थात साफ सुथरे नहीं होते, और सामान्यतः सदैव कपटी धूर्त तथा अन्य का अपमान करने वाले होते हैं। जैसे मैं बहुत सारे लोगों पर कटाक्ष करके अपमान कर रहा हूँ एक प्रकार से, कुछ लोग इस बात को समझ रहे होंगे।
तो अन्यों का अपमान करने वाले होते, अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। करेंगे ना, क्या चिंता है, करेंगे घर। कुछ लोग तो इतने आलसी होते हैं कि वो कभी बिस्तर फोल्ड ही नहीं करते। बहुत खतरनाक स्थिति होती है लोगों की। बिस्तर सोने के लिए भी वैसे अच्छी तरह बस ऐसे गोल 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 करके एक साइड में लुढ़का देंगे, और सोने के लिए आएंगे उसी को ऐसे कैसे ही खोल करके लुढ़क जाएंगे उस पर। कभी उसको झटक नहीं सकते, चाहे उसमें बिच्छू है, कातर है, क्या है, कीड़ा है, मकोड़ा है, कोई लेना देना नहीं। बस उसको रोज सुबह में ऐसे ही गोल मुंडी करके, उसको कंबल वगैरह को तो फोल्ड करने की जरूरत नहीं, उसमें अंदर ही हो जाता है, बस गोल घुमा करके साइड में कर देंगे और दूसरे दिन बस उसको खोल करके तान करके उसमें सो जाए। ये सब आलसी लोगों की पहचान है। कार्यों को तो कभी हम माला साइड में रख देंगे, कल कर लेंगे, कल कर करता हूँ ना, अभी करता हूँ ना, अभी करता हूँ, ऐसा करते करते रात हो जाएगी, रात होते फिर सुबह हो जाएगी, फिर सुबह होते फिर शाम हो जाएगी, ऐसे 8 दिन बीत जाए। प्रभु मैं करता था 16 माला, अब छोड़ दिया मैंने, क्यों? अब मैंने नींद को अपना लिया, मतलब और बड़ा जप ले लिया जैसे उसने, इसलिए एक तरफ रख देते। अतः विखिन्न रहते हैं, जो काम 1 घंटे में हो सकता उसे इस पे वर्षों तक घसीटते जाते हैं। देखो प्रभुपा जी ने कितनी बड़ी बात कही, वे दीर्घ सूत्री होते हैं, ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं। इस प्रकार से ज्ञान कर्म और कर्ता के बारे में प्रभुपा जी ने बताया, कृपा करके भगवान के बाद भगवान ने बताया प्रभुपा जी के माध्यम से, हमें इस बात को समझ करके सतोगुणी बनना और जीवन को सफलता के मार्ग पर आगे लेकर जाना है। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। हरे कृष्ण।